ये स्पोर्ट्स जो है ना वो 1958 से इस्टेब्लिश हुई थी। बड़ा मुश्किल टाइम था जी उस वक्त जब हमने बैट का काम शुरू किया तो पाकिस्तान में मोस्टली प्लेयर इंग्लिश बैट इस्तेमाल करते थे। इंग्लैंड से बल्ले आते थे पर वो फर्स्ट क्लास प्लेयर और दूसरे क्लबों के जो अच्छे प्लेयर थे वो सारे इंग्लिश बैट इस्तेमाल करते थे। हमने फिर इनको नया ट्रेंड दिया, नई चीज लेके आए जो आजकल बैट चल रहा है कर्व वाला, ये हमने 79 में इंट्रोड्यूस करवाया था और इंटरनेशनल मार्केट में ये आया है 96-97 के बाद। वो भी इंडिया वालों ने फिर इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर उन्होंने अपने प्लेयरों के हाथों में दिया। जब उन्होंने प्लेयरों के हाथों में दिया तो उसके बाद ये पूरे दुनिया में क्रिकेट टोटली चेंज होनी शुरू हो गई, क्योंकि कर्व वाला बैट और थोड़ा थिकनेस वाला बैट जो होता है उसमें स्ट्रोक थोड़ी सी ज्यादा होती है। हमने ये 79 से शुरू कर दिया था मगर इसकी कॉपी फिर लोगों ने की है 96 में जाके। हर प्लेयर जो है ना वो अपना कस्टमाइज्ड बैट ही बनवाता है इंटरनेशनल। हर प्लेयर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसका वेट क्या होना चाहिए, उस किसी की लेंथ ज्यादा होती है, कोई नॉर्मल लेंथ से खेलता है, कोई पतले हैंडल से खेलता है, कोई मोटे हैंडल से खेलता है, कोई डिफरेंट वेटों से खेलते हैं, मगर ग्रेन्स की उनकी बात होती है, थिकनेस की होती है, वो किसी को लो मिडल चाहिए, किसी को हाई मिडल चाहिए, उस हिसाब से उसी तरीके से फिर हम उनको बना के देते हैं।